कलामी के लिए माजरा चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक मैं दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैं आप तीनों के साथ भी और अपने व्यूअर्स के साथ भी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने इससे पहले इसके ऊपर बात नहीं की थी. पिछले हफ्ते जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक्चुअली इन दो थ्योरीज का मेरे साथ जिक्र किया था. ये उनका उनका मानना था, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये उनका मानना था. मैंने इसको पहले इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे भी उस वक्त ये बहुत हैरानकुन बात लगी कि ही सेइंग ऑल दिस. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मेरा दिमाग नहीं मानता था. उसमें से एक चीज उन्होंने ये कही और वो उनका अपने बारे में थी. उन्होंने अपने बारे में कहा कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि 40-45 पुलिस वाले आएंगे और यहां से रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद पुलिस वाले जो है वो गोली चला देंगे और मीर मुर्तजा भुट्टो स्टाइल जो है मेरा मर्डर कर दिया जाएगा. ये इमरान खान साहब ने अपने बारे में बात कही थी. और दूसरी चीज जो उन्होंने मुझसे कही थी, जो मैंने एक्चुअली रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उसका एविडेंस कोई नहीं था, एंड इट वॉज सो शॉकिंग कि मैंने उसको नहीं रिपोर्ट किया. फ्रेंकली स्पीकिंग ये चीज ऐसी है, एक साफी होने के नाते हमें जिम्मेदारी का एहसास भी हमने करना चाहिए. बिकॉज अब राणा सिनावला ने बात कर दी, इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट. उन्होंने ये मुझे कहा था कि जी मुझे ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि हमारी पार्टी की कारकुनों को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया. ये उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था. मैंने उसके ऊपर एविडेंस की बात हुई, उन्होंने कहा बस मुझे बताया गया है, मुझे पता लगा है, दैट्स इट. अब इस तरह की चीज को इसके लिए जाहिर बात है एक एविडेंस की जरूरत है. अभी तक कोई ऐसा विक्टिम सामने नहीं आया, कोई ऐसी कहानी अब तक सामने नहीं आई. अब सिर्फ और सिर्फ ये गुफ्तगु है, एक चैटर है, दैट्स इट. आप बताइए इस सारी चीज को किस तरह ट्रीट किया जाए, एक जर्नलिस्ट होते हुए इस सारी चीज को किस तरह ट्रीट किया जाए. जी बिल्कुल, ये बड़ा बुनियादी सवाल है. मैं इस पे आता हूँ. मैं दो थ्योरीज की बात हो रही है ना, मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारी जो है, अगर कोई अरेस्ट हुआ हुआ है, जेल में है या वो जेल खाने में है, तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी. उसी तरह जो हमले की बात है, जाहिर है कि ये नहीं हो सकता कि कोई पुलिस के कपड़े पहनकर खुद ही स्टेज कर दे. अगर कोई मुबैना हमला होना है, कुछ जो होता है वो जाहिर है कि अगर होता है, मैं से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करूँ जो कि सनोला साहब कह रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मुझे फार फेच नजर आती हैं. अब आते हैं जो आपका सवाल है कि बींग जर्नलिस्ट हमारा क्या पोजिशन होनी चाहिए. देखिए, हमें पता है कि जब इस मुल्क में रेप केसेस होते हैं तो बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं वो सामने आने से गुरेजा होते हैं, क्योंकि एक उसके साथ हमारी सोसाइटी में उसको जाहिर है कि शर्म की बात समझा जाता है, स्टिग्मा समझा जाता है, तो बड़ी उनको पर्सुएट करना पड़ता है कि जी आप आके कंप्लेन लॉन्च कर दें. ये मैं वो कह रहा हूँ कि जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की खवातीन शिकार हों या किसी और तरह से उनका उनके साथ कोई ज्यादती की गई हो, तो बड़ा मुश्किल होता है. फिर जब ये बात मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में आ जाती है तो वहाँ और ज़्यादा लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि खामोश रहना जो है उसको उनकी तरजीह होता है. तो ये अच्छा, जब तक जाहिर है कि हम और आप इस पर क्या सराई, हम तो इसलिए बात करें कि अब राणा सनाउल्लाह ने और इमरान खान ने कर दी है, तो इसमें मेरे ख्याल में तो यही होता है कि भाई जब तक कोई कंप्लेनेंट सामने ना आ जाए, और तो हम उसमें साजिशी थ्योरी भी इस तरह की हमें डिस्कस करना कि जी हुकूमत ये काम करा सकती है. मेरे ख्याल में हुकूमत इस हद तक गिर जाए, मुझे नाकाबिल यकीन लगता है कि जाहिर है कि यार पाकिस्तानी पुलिस से ठीक है डंडे मार लें, तशद्दुद कर लें, यहाँ तक समझ में आता है. लेकिन अगर खुदा ना खास ऐसा हुआ है तो ये बड़ा एक शर्मनाक बाब होगा. और इसी तरह मुझे कोई कहे जी पीटीआई खुद से ये काम कर सकती है, ये भी मेरे लिए नाकाबिल यकीन होगा, क्योंकि अभी तक हमारे जहन में तसव्वुर है कि भाई पाकिस्तान है, हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारी सब कुछ हो सकता है. चले मर्दों को बरहना करना भी समझ में आता है, खवातीन का हमारे माशरे में एक जो मतलब है, लेकिन मकाम है. कथा कलामी की माजरत नुसरत मलिक साहब, ये आमिर साहब ने, जाहिर बात आप दोनों बड़े सीनियर हैं, उम्र में मुझसे काफी सीनियर हैं, वैसे भी ओहदे के लिहाज से भी सीनियर हैं. अभी आमिर साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि मैं नहीं सोच सकता कि रियासत कभी इस तरह कर सकती है या ऐसा नहीं हो सकता, तरीके इंसाफ भी ऐसा नहीं कर सकती. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ. आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, जाली तस्वीरें जो हैं वो हेलीकॉप्टर से फेंकी गई, एक खातून थी, उनको टारगेट इस तरह किया गया और उस वक्त ये सब कुछ हुआ है, दैट्स अ फैक्ट. और उसके बाद आपको याद होगा कि 2014 का जब धरना चल रहा था तो उस वक्त मीडिया के ऊपर बैठ के बहुत से एंकर्स ने उस वक्त एक अफवाह उड़ा दी थी कि जनाब इतना बंदा कत्ल हो गया, इतना बंदा कत्ल